नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर के परामर्श पर जो लेखक थे सत्यकाम विद्यासागर जी ने, वह दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर जुहू पर जाने की तैयारी में किस तरह से जुड़ गए पूर्ण विश्राम करने के लिए। और यह तैयारी दोनों पति पत्नी मिलकर कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें जुहू से अच्छा कोई भी जगह नहीं मिलेगा आराम करने के लिए, इसलिए उन्होंने जितनी भी सामग्री है, जैसे कि वहाँ पे जाने के लिए समुन्द्र में नहाने के लिए कपड़ा, और फिर छत वहाँ पे धूप से बचने के लिए छतरी, नेल कटर, राइटिंग पैड, कविता लिखने के लिए राइटिंग पैड, और बिल चुकाने के लिए जो बीमा का जो पत्र है वो, और लेखक की जो पत्नी थी उनकी माँ द्वारा आए हुए लेटर का जवाब देने के लिए वे सभी पत्र इकट्ठा करते हैं। और उनको लगता था कि जुहू से अच्छा कोई भी जगह नहीं मिलेगा उनको कविता लिखने के लिए, इसलिए लेखक कुछ कागज के जो कतरने थे जिसपे वो लिखा करते थे वो सभी इकट्ठा करके बोलते थे कि अब जुहू में हमें पूर्ण विश्राम मिलेगा, वहाँ पे हम लोग आराम करेंगे और शांति से ये सब भी छोटा मोटा काम हम लोग कर लेंगे, जैसे कि बिजली का बिल भरना है, ये सभी काम हम लोग जुहू पर करेंगे। ये सब प्लान से उन लोग तैयारी होकर जुहू के लिए निकलते हैं। अब आगे की कहानी हम अगले परिच्छेद में देखेंगे। हाँ देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ये इसका यहाँ से लेकर के दूसरे पार्ट यहाँ तक वाचन कर लिए थे। देखिए कि छतरी भी रख लेना, यहाँ तक हमने वाचन किया था, उसके कठिन शब्दों को देखा था। आज हम यहाँ से ये परिच्छेद का वाचन करेंगे, उसके कठिन शब्दों को ध्यान से देखेंगे। अच्छा बाबा, रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले पर न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। ये लोग 2 दिन के लिए जुहू चौपाटी जा रहे हैं और तैयारी इतनी कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं, वो भी आराम करने के लिए। वो भी कैसी आराम? पूर्ण आराम। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हमसे कोई बोलता है ये समय रखा ये समय रखा, ठीक है अच्छा रख लूँगी, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं जा रहे कुछ सामान छूट तो नहीं रहा है। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। सब कुछ रख ली थी और एक चीज़ नहीं मिल रहा था, वो क्या था? नेल कटर, नाखून काटने वाला। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। लेखक कहते हैं अपनी पत्नी को कि कोई बात नहीं मत रखो, लेकिन और सब चीज़ें जो है वो सब रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। देखिए, समालोचना कर दूंगा, समालोचना का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण दोष बताना। जैसे कि हम जानते हैं वो एक कहानीकार, एक कवि थे लेखक, इसलिए उनके पास बहुत सारी समालोचना के लिए किताबें आई हुई थी, इसलिए वो बोलते हैं कि चलो जुहू में हमें आराम मिलेगा, 2 दिन हम लोग विश्राम करेंगे, तो ये भी मैं काम कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फुर्सत, फुर्सत यानी खाली समय। समालोचना का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण दोष बताना। ये सब पिछले वीडियो का यहाँ पे शब्दार्थ लिखा गया है, अब आगे मैं लिखती हूँ यहीं पे आगे। फुर्सत, फुर्सत, फुर्सत यानी खाली समय, खाली समय। समालोचना, समालोचना का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण दोष बताना, किसी वस्तु के गुण दोष बताना।
अब आगे ध्यान दीजिए। आखिर तीन किताबें थैले में झोंक ली। झोंकना मतलब उसी में भरना। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी। जैसे कि हम जानते हैं लेखक एक अच्छे कवि भी थे, इसलिए उनके अंदर कई दिनों से धुन मतलब लगन, कई दिनों से उनके अंदर कविता लिखने की धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी। जैसे जो लेखक और जो कवि होते हैं, कभी कोई अंदर जो रचना करने की जो इच्छा होती है, वह जब उन्हें कोई भी लाइन याद आ जाता है तो किसी भी कागज़ के एक टुकड़े पर वह लिख के रख लेते हैं। फिर जब उन्हें खाली समय मिलता है तो उसी लाइन को वो अच्छी तरह से लिखते हैं। तो उनकी कई कतरने मतलब उनकी कविता की कई कतरने, कतरने मतलब कागज़ का जो टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कतरन, इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा लिया और उन्हें भी जमा मतलब इकट्ठा कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। कभी मतलब लेखक सोच रहे थे कि काव्य प्रेरणा के लिए मतलब काव्य को लिखने की जो प्रेरणा है उसके लिए हमें जुहू से अच्छी कोई भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक शब्द दिया गया था, ध्यान दीजिए, कतरने, जिसका अर्थ क्या होता है, कागज के टुकड़े। अब था झोले। झोले यानी क्या होता है, थैली। झोले यानी थैले जिसमें हम कोई भी सामान रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। मतलब इतनी तैयारी के बाद लेखक और उनकी पत्नी दोनों लोग पहुँच गए जुहू। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक मतलब स्वप्न की दुनिया में। लोग पहुँचने के बाद स्वप्न की दुनिया में तो खो गए। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े और दोनों लेखक और उनकी पत्नी दोनों लोग कहाँ चल पड़े, समुद्र में नहाने के लिए। समुद्र तट और पर और लोग भी नहा रहे थे। तट यानी किनारा, समुद्र के किनारे पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। जैसे कि हम जब जाते हैं जुहू चौपाटी तो देखो लहर कैसे उठती है बीच में, तो एक लहर जब तट पे आई तो उन दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। जैसे कि हम जब कहीं जाते हैं, दो लोग हैं तो आपस में जब हम नहा रहे तो हमें कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है, तो उनके अंदर कोई स्फूर्ति, कोई ताजगी आ गई और उन्होंने पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। वो पूछती हैं अपने पति से कि तुम्हें याद है ना कि जब घर से निकल रहे थे उस समय हमने बरामदे की जो खिड़की है उसको अंदर से बंद किया था कि नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक बोल कि मुझे तो कुछ याद नहीं आता है। कभी कभी हम काम किए रहते हैं, अपना सब काम अच्छे से किए रहते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है तो हमें याद नहीं रहता है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। श्रीमती बोलती कि अगर वो बंद नहीं हुआ और वह खुली रह गई तो हम क्या करेंगे। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। देखो ये बातें कह रही थी कि अगर खुली ही रह गई घर के जो बरामदे की जो खिड़कियां हैं तो क्या होगा। यह कहते हुए उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया मतलब घबरा गई। चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा वो हो जाएगा। वो बोलते हैं लेखक कि चलो छोड़ो, अब क्या करें, जो होगा वो होगा, इन सब चिंताओं को हम छोड़ के आ गए हैं। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर ही बह पड़ा। यह कहते ही कि छोड़ो अब इन चिंताओं को, यह सुनते ही लेखक की जो पत्नी थी, जो श्रीमती थी उनकी, उनके आंखों से आंसुओं का समुद्र बह पड़ा।
उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। मतलब वो चिंतित हो गई कि मान लीजिए अगर बरामदे की खिड़कियों की कड़ी नहीं बंद हुई होगी तो चोर भी आ सकते हैं, चोरी भी हो सकता है, अगर बारिश हुई तो पानी भी अंदर आ सकता है। इस सब टेंशन से वह घबरा गई थी। और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, यह सब सोच रही थी। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे था विचरते, स्वप्नलोक, स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया। अब है विचरते, विचरते यानी घूमते, घूमते। अब अगला है अधीरता, अधीरता, अधीरता यानी व्याकुलता, व्याकुलता, व्याकुलता। रफ्तार, रफ्तार यानी गति। ध्यान दीजिए, वो बोलती हैं कि घर अगर घर अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता मतलब उनकी व्याकुलता, उनकी जो चिंताएं हैं वो और भी ज़्यादा होती जा रही थी। दिल जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेखक को उनकी जो धड़कन है वो बहुत तेज़ थी, वो मुंबई के आपाधापी जीवन में इस तरह व्यस्त थे कि उन्हें आराम नहीं मिला था। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि ऐसा करो, आप कहीं जाकर पूर्ण विश्राम करोगे तो आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। तो ये बोलते हैं कि जिस धड़कन का इलाज करने में जुहू आया था वह तो और भी 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था लेकिन मेरा दिल उससे भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार यानी गति। वो तुरंत ही वह अपने गाड़ी की इंजन चलाई और इंजन की इतनी आवाज़ हो रही थी, धक धक कर रहा था कि लेखक बोलते उससे भी ज़्यादा मेरा दिल धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। और क्या बोलते हैं लेखक, जिस तैयारी से, जिस रफ्तार से हम जुहू गए थे आराम करने के लिए, फिर उसी रफ्तार से हम अपने घर वापस आए। अंदर आके देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी, मतलब जो उसकी कड़ी थी, घर में आके जब वो देखे तो वह लगी हुई थी अच्छी तरह से। यहाँ पे है शब्द बदस्तूर का मतलब होता है अच्छी तरह से। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी। लेखक क्या बोलते हैं, घर की स्थिति सब ठीक थी, वह मैंने ही लगाई थी लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन बढ़ गई। लेखक कहते हैं कि ये तो मैं ही लगाया था लेकिन लगाने के बाद मैं भूल गया। पहले तो मैंने ही मेरा ही इलाज करने के लिए मैं जुहू गया था, मेरी ही धड़कन बढ़ी थी, अब क्या हुआ मेरी श्रीमती जी का भी धड़कन बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, वो सोच रहे थे कि डॉक्टर ने हमें कहा कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, अगर आप पूर्ण आराम करोगे, पूर्ण विश्राम करोगे तो आप स्वस्थ और निरोग होंगे पूरी तरह से। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, और कहते हैं कि साथ ही मुझे यह विश्वास हो रहा था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। और भयावह का मतलब होता है भयानक,
यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं कठिन, जिसे आप ध्यान से देखिए। पहला है बदस्तूर, बदस्तूर का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह। और एक शब्द था भयावह, भयानक, भयानक। देखो बच्चों, भयानक। यह जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ आठ पूर्व विश्राम, यहाँ से लेकर के आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। और यहाँ पे कुछ स्वाध्याय के प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। हमने देखा कि किस तरह से लेखक और उनकी पत्नी इतनी तैयारियों के बाद आखिरकार जुहू चौपाटी पहुंच गए। वहां पर पहुंचने पर सबसे पहले लेखक और उनकी पत्नी नहाने के लिए समुद्र में चल पड़े। वहां पर और लोग तट पर नहा रहे थे। लेखक और लेखक की जो पत्नी थी, दोनों लोग समुद्र के लहरों का मजा आनंद उठा रही थी। तब तक एकाएक श्रीमती जी को याद आ गया उनके मस्तिष्क में कि क्या हम लोग घर की सभी चीजें, घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके आए हैं। श्रीमती जी को लग रहा था कि कहीं अगर खिड़कियां दरवाजे की सिटकनियां जो है वो बंद नहीं हुई तो क्या होगा, घर की हालत क्या हो सकती है, कहीं चोरी भी हो सकता है या बारिश हुई तो अंदर पानी भी आ सकता है। सब ये सब उनके मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। और पत्नी ने लेखक से पूछा कि क्या सब कुछ बंद है। लेखक ने कहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। जैसे कि हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है घर के नल तो नहीं खुले रह गए, घर की खिड़कियां तो नहीं खुली रही, ऐसे ही लेखक की पत्नी को भी लग रहा था। अब पत्नी इतनी घबराई हुई थी कि लेखक से उनकी घबराना, उनकी समस्या देखा नहीं गया। तो लेखक ने जिस बीमारी का इलाज कराने जूही चौपाटी में आराम करने के लिए आए थे, और वह और भी दुगना बढ़ गया उनकी पत्नी का। उनकी पत्नी की दिल की धड़कन उससे भी कहीं अधिक बढ़ने लगी। और फिर उन लोग उसी पैर से पुनः अपने घर पर आ गए। और घर आकर देखते हैं कि घर की सभी दरवाजे सब एकदम व्यवस्थित है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। और लेखक ने कहा अपनी पत्नी से कि ये तो मैं ही लगाकर कड़ी भूल गया था, इसलिए मुझे याद नहीं आता। तो लेखक के कहने का मतलब है कि हमें जीवन में पूर्ण विश्राम मिल ही नहीं सकता है घर के उलझनों के कारण। इसी बात को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, पूर्ण विश्राम के माध्यम से बताया है। इस कहानी से संबंधित कुछ स्वाध्याय के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरह के आपके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो संजाल पूर्ण करिए। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि किस तरह से उन लोग जुहू जाने की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो श्रीमती जी थी, लेखक की जो पत्नी थी, वह सूची बनाती हैं कि गैरेज की जो गाड़ी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो उसमें सूची में मोटर में हवा भरने की पिचकारी, मतलब पिचकारी लिखती हैं सूची के अंतर्गत। फिर अगले बार ट्यूबॉल, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबर सॉल्यूशन, ये सब उनके गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें हैं। इतनी तैयारी के बाद वे जुहू चौपाटी पहुंचते हैं। अब अगला है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका हमें बनाना है कि जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। जैसे कि हम जानते हैं कि लेखक की जो पत्नी थी जुहू जाने के पूर्व कौन कौन से सामान अपने साथ लेकर जाती हैं, जिसमें था रबर कैन, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल, और सारी इसके अलावा भी और सारी चीज़ें थी, जैसे कि पत्र था और कविता लिखी हुई जो कागज़ की कतरने थी वो भी थी। तो इस तरह से आप उस सब का भी समावेश इसके अंतर्गत कर सकते हो। तो देखो यह स्वाध्याय के दोनों प्रश्न आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो मैं पढ़ाते समय जो आपको शब्दार्थ लिखाई थी कठिन शब्दों को, सबसे पहले वो लिखना है। फिर वे स्वाध्याय के दोनों प्रश्न लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।